डिंपल यादव को मैनपुरी में जिताने के लिए लगा पूरा परिवार। डिंपल यादव की बेटी के बाद बहन पूनम रावत आई मैदान में। जनता के बीच बड़ी बहन को जिताने के लिए छोटी ने किया जनसंपर्क। पूनम रावत बोली, डिंपल यादव कमजोर प्रत्याशी नहीं, इतिहास बनेगी जीत। दरअसल जैसे जैसे मैनपुरी लोकसभा चुनाव की नजदीकियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे राजनीति में समाजवादी पार्टी का परिवार अपनी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहा है। यहां तक कि रिश्तेदार, सगे संबंधी भी मैदान में आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व अखिलेश यादव की बेटी आदिति यादव मैदान में डिंपल यादव की जीत के लिए मैनपुरी जनता से वोट मांगती हुई दिखाई दी। इसके बाद डिंपल और अखिलेश की बेटी आदिति यादव की खूब चर्चाएं रही, लेकिन आज फिर से डिंपल यादव की छोटी बहन पूनम रावत मैदान में दिखी हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बहन डिंपल यादव की जीत के लिए मैनपुरी की जनता से वोट मांगे हैं। इस दौरान पूनम रावत ने मीडिया के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे यहां आकर अच्छा लग रहा है। स्वर्गीय नेताजी को मैनपुरी की जनता का बहुत प्यार मिला है, वैसे ही उनकी बहू पर जनता वोट करेगी और हर हालत में डिंपल यादव की जीत होगी। जब वहीं पत्रकार द्वारा उनसे पूछा गया कि क्या इस सीट पर डिंपल यादव अपने अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा कमजोर नजर आ रही है, इस सवाल पर पूनम रावत ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, सबको पूरा विश्वास है कि अच्छे मतों से डिंपल यादव जीतेंगे। हम सब तो अपने परिवार के नाते सपोर्ट करने के लिए मैदान में आए हैं। इतना ही नहीं, मीडिया के तमाम सारे सवालों के जवाब देती हुई नजर आई। आप खुद सुनिएगा कि मीडिया के सवालों पर डिंपल यादव की छोटी बहन पूनम रावत क्या कहती हुई नजर आई। प्रत्याशी डिंपल यादव की आप बहन प्रचार पे आई है मैनपुरी की, क्या जरूरत पड़ी और कैसा लग रहा है आपसे? मुझे यहाँ आके बहुत प्यार मिल रहा है मैनपुरी की जनता से, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे इतने सारे सालों में मैनपुरी की जनता ने नेताजी को सपोर्ट किया है, वो इस साल भी बिल्कुल भाभी को साइकिल का बटन दबाकर पूरा सपोर्ट किया। जब पूरा परिवार चुनाव प्रचार पे है, देखा जाए तो अदिति भी प्रचार में है, आप भी आ गई प्रचार में, क्या लग रहा है प्रत्याशी यहाँ कमजोर है किस तरह से कि इसके लिए सब पूरे फैमिली लगा हुआ है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें पूरा विश्वास है कि डिंपल भाभी पूरी वोट बैंक 6% से वापस आएंगी जीत कर। हम एज ए फैमिली सपोर्ट करने आए हैं और सिलेक्शन मिल गई। मैडम लगातार आप भी आदमी अनाउंसर रहे हैं, अग्निवीर जैसी योजना केंद्र में क्या तो कैसे दी? देखिए हमारे देश में आजकल युवक की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, नौकरियां नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो अग्निवीर जैसी स्कीम से डेफिनेटली हमारे सारे जो युवा वर्ग है उनके नौकरियाँ और कम होंगी, और हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो हमारे युवकों के लिए नौकरियों के लिए काम करे, जिससे कि हमारे यहाँ पर युवकों को नौकरी मिले।